सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन स्टडीज। माय सेल्फ अथर्व चौहान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आने के ज्यादातर चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। राइटर का नाम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आने के 90% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हैरियट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर ट्रिकीज फेवरेट डिशेस। जो ट्रिकी था उसकी फेवरेट डिशेस क्या थी? ऑप्शन ए एग्स एंड ब्रेड, ऑप्शन बी क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ऑप्शन सी वाइन्स एंड ब्रैंडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। ये आपके चैप्टर के पहले पेज पर ही दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु वाज हॉटकिन। चैप्टर में टर्म आया है हॉटकिन, और ये हॉटकिन जो है कौन था? तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आपको जरूर पता होगा हॉटकिन जो है वो गार्डनर था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट वाज ट्रिकीज फॉल्ट। जो ट्रिकी था उसका फॉल्ट क्या था उसका? तो इसका फॉल्ट जो एक ही था, वो था उसकी ग्रीड। वो किसी वो उसे कभी भी खाना दे दो वो मना नहीं करता था, तो वही उसका फॉल्ट था जिससे वो ओवर फीडिंग की वजह से वो बीमार हो गया था। वो उसका फॉल्ट बस यही था, उसकी ग्रीड, उसे वो मना नहीं करता था खाने को, और यही था उसका फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाई वाज एंटायर स्टाफ रशिंग इन एंड आउट। जब डॉक्टर हैरियट जो थे ट्रिकी को लेने गए थे, तो उनका एंटायर स्टाफ जो था मिसेस पम्फ्रे का, वो अंदर बाहर क्यों जा रहा था? ऑप्शन ए दे वर प्लेइंग गेम, ऑप्शन बी दे वाज अ फायर इन द हाउस, ऑप्शन सी दे वर अगेन एंड अगेन कॉल्ड, ऑप्शन डी टू ब्रिंग हिज बेड्स टॉयज कुशंस बॉल्स। तो इस जो उनका एंटायर स्टाफ था वो अंदर बाहर इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो थे मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के साथ उसके फेवरेट बेड्स टॉयज कुशंस एंड जो भी सब फालतू के सामान थे वो भी उसके साथ भेजे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एट सर्जरी अदर डॉग्स स्नफ्ड अराउंड ट्रिकी एंड डिसाइडेड दैट ही वाज एन डैश ऑब्जेक्ट। आपको डैश में फिल करना है। ये जो है ये भी एक चैप्टर की एक लाइन है, इसमें आपको फिल करना है कि जब ट्रिकी जो है सर्जरी हाउस में पहुंचा, तो वहां पर जब जो दूसरे डॉग थे वो उसके चारों तरफ घूमे और उन्होंने सोचा नहीं यार छोड़ो, ये जो है ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट वर ट्रिकीज एंड अदर डॉग्स डूइंग इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। जो ट्रिकी और अदर डॉग्स थे सर्जरी हाउस में, वो सब क्या कर रहे थे ओल्ड हैन हाउस रात के टाइम पे? वो सब लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए दे वर ट्रेनिंग, ऑप्शन बी फाइटिंग, ऑप्शन सी स्लीपिंग, ऑप्शन डी हंटिंग रैट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो सब जो है रात के टाइम पे ओल्ड हैन हाउस में वहां पर रैट्स को हंट कर रहे थे, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, फॉर हाउ मेनी डेज डॉक्टर हैरियट गिव ट्रिकी नो फूड। डॉक्टर हैरियट ने जो है ट्रिकी को कितने दिन तक खाना नहीं दिया? ऑप्शन ए 3 days, ऑप्शन बी 1 day, ऑप्शन सी 2 days, ऑप्शन नंबर डी 4 days। तो इसका जो है सही ऑप्शन नंबर सी है, 2 days। उन्होंने डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज ट्रिस्टन। जो एक जैसे हॉटकिन था उसके जैसा ही एक ट्रिस्टन भी टर्म यूज हुआ है एक पर्सन के लिए, जो है ट्रिस्टन कौन था? ऑप्शन ए शेफ, ऑप्शन बी डॉक्टर हैरियट्स पार्टनर, ऑप्शन सी गार्डनर एंड ऑप्शन डी ट्रिकीज मास्टर, जो मतलब मिसेस पम्फ्रे का हस्बैंड। तो ये ट्रिस्टन जो था वो कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर हैरियट जो थे उनका पार्टनर था ट्रिस्टन, जिसने जो है बॉल्स में सारे डॉग्स के लिए खाना डाला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज ट्रिकी डिड नॉट गेट फूड। जो टोटल नंबर ऑफ डेज थे वो कितने थे जितने दिन तक ट्रिकी को खाना नहीं मिला? तो इसका सही आंसर है 3 days। 2 दिन तक तो डॉक्टर हैरियट ने उसे खाना नहीं दिया था, और जो फिर अगला दिन था वहां पे जब बॉल्स में खाना डाला था तो ट्रिकी लेट हो गया, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे भाग के जाना पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि उसे तो वही आदत थी अपने घर पे जैसे वो खाता था मिसेस पम्फ्री के यहाँ।
तो वो उस दिन भी भूखा रह गया था, तो टोटल 3 डेज तक उसे कोई खाना नहीं मिला था। 11 है, वॉट डिड मिसेस पम्फ्रे सेंड इन द ब्रेकफास्ट। मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रेकफास्ट में क्या भेजा, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ट्रिकी का सर्जरी हुई है, तभी वो इतनी जल्दी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया है, तो उन्होंने ट्रिकी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कमजोरी ना आए इसलिए उसे ब्रेकफास्ट में क्या भेजा। उसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अलग अलग चीज़ें भी मैंशन हैं आपकी बुक में, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या भेजा था, उन्हें ब्रेकफास्ट में उन्होंने भेजा था एग्स, उन्होंने ब्रेकफास्ट में भेजे थे एग्स, जिसे ट्रिकी को तो नहीं खाता था लेकिन जो डॉक्टर हैरियट और उनका पार्टनर था वो उसे खा लेते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर एंजॉय इन द लंच। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर में अलग अलग चीजें मेंशन है, तो वो लंच में जो है डॉक्टर हैरियट उनके पार्टनर वो क्या खाते थे, मतलब जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए क्या भेजती थी, एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो लंच में भेजती थी वाइन लंच में, और वो वाइन जो है डॉक्टर हैरियट और उनका पार्टनर जो थे वो खा लेते थे, वो पी लेते थे मतलब, और डिनर के टाइम पे वो ब्रांडी जो है मीट भेजती थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी, ट्रिकी को किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया था। ऑप्शन ए मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तो कहीं बात ही नहीं हुई है पूरे चैप्टर में। ऑप्शन बी मेंटल ट्रीटमेंट, इसकी भी कहीं बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। तो फिजिकल ट्रीटमेंट दिया गया था ट्रिकी को, उसे 2 दिन तक वैसे खाना नहीं दिया था, उसे फिर वो सब डॉग्स के साथ खेलता था पूरे दिन, तो एक तरीके से उसका फिजिकल ट्रीटमेंट जो था उसे दिया गया था, जिससे कि उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसी के साथ वीडियो हुई ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।